हमारा सूर्य एनर्जी का एक ऐसा सोर्स है जिसे हर सेकंड 384.6 सेप्टिलियन वॉट एनर्जी रिलीज होती है। हमारे सूर्य से एक साल में पैदा हुई एनर्जी इतनी ज्यादा है कि जो हम इंसानों की एनर्जी की खपत को कई सौ सालों तक आसानी से पूरा कर सकती है। लेकिन अभी हम इंसान ऐसी हालत में नहीं है कि हम हमारे सूर्य से निकली सारी एनर्जी को अपने इस्तेमाल के लिए इकट्ठा कर पाए। दोस्तों, हमारी एनर्जी की इस खपत को पूरा करने और क्लीन एनर्जी बनाने के हमारे इस आइडिया को आगे ले जाते हुए चाइना ने अभी हमारे सूर्य का एक डुप्लीकेट हमारी पृथ्वी पर ही बनाया है। चाइना ने अपने इस आर्टिफिशियल सूर्य से हाल ही में एक बहुत बड़ी कामयाबी भी हासिल की है। वो कामयाबी क्या है और कैसे चाइना का ये मेड इन चाइना सूर्य हमारे आने वाले फ्यूचर को बदल देगा, आइए जानते हैं। दोस्तों, चाइना की उस कामयाबी के बारे में जानने से पहले आइए जानते हैं कि चाइना का ये आर्टिफिशियल सूर्य आखिर है क्या। दोस्तों, जैसे हम जानते हैं कि हमारा सूर्य एनर्जी को प्रोड्यूस करने के लिए न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल करता है, जिस दौरान सूर्य के अंदर हाइड्रोजन के दो एटम एक दूसरे से कोलाइड होते हैं और वहां ये एक्सट्रीम गर्म टेम्परेचर लगभग 15 मिलियन डिग्री सेंटीग्रेड और एक्सट्रीम ग्रेविटेशनल प्रेशर की वजह से एक दूसरे के साथ फ्यूज हो जाते हैं, जिससे एनर्जी की एक भारी मात्रा रिलीज होती है। और अगर हमें ऐसा कोई मेथड मिल जाए कि हम सूर्य की एनर्जी को पूरी तरह से इस्तेमाल कर पाए तो हमें एक ऐसा लिमिटलेस एनर्जी सोर्स मिल सकता है जो कि कई सौ सालों तक हमारी एनर्जी की खपत को पूरा कर सके। लेकिन फिलहाल के लिए मुमकिन नहीं है। इसी वजह से चाइना ने 2006 में हीफी में एक्सपेरिमेंटल एडवांस्ड सुपर कंडक्टिंग टोकामाक या ईस्ट का निर्माण किया था। 2006 के बाद से वैज्ञानिक इसमें लगातार इम्प्रूवमेंट करते जा रहे हैं। यह ईस्ट एक्सपेरिमेंट एक ऐसा डिवाइस है जो प्लाज्मा को कंट्रोल करने के लिए मैग्नेटिक फील्ड का इस्तेमाल करता है और इस प्लाज्मा से पैदा हुए तापमान से ये न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस को सपोर्ट करने लायक कंडीशंस बनाता है। यानी कि यह ईस्ट एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर है जो कि न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस का इस्तेमाल एनर्जी को बनाने के लिए करेगा। यानी कि ये एक तरह का आर्टिफिशियल सन है। चाइना का ये ईस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर चाइना के तीन टोकामाक्स में से सबसे खास है, जिनमें HL/2A रिएक्टर और JTXT भी शामिल है। दोस्तों, आइए जानते हैं कि क्यों न्यूक्लियर फ्यूजन बेहतर है न्यूक्लियर फिजन से। दोस्तों, ऐसा इसलिए है क्योंकि न्यूक्लियर फ्यूजन में एक तो फ्यूल भी कम इस्तेमाल होता है और इससे एनर्जी भी बहुत ज्यादा मात्रा में पैदा होती है। इसी के साथ एक न्यूक्लियर फ्यूजन की एक ऐसी विशेषता है जो इसे हम इंसानों और हमारी पृथ्वी के वातावरण के लिए काफी सेफ बना देती है, जो है इस न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोसेस से पैदा होने वाला वेस्ट जो कि लगभग ना के बराबर होगा और जिसे हम बड़ी आसानी से हैंडल कर पाएंगे। अब आगे बढ़ते हुए जानते हैं कि क्या चाइना ही अकेला देश है जिसने ऐसा कुछ किया है। दोस्तों, चाइना का ये ईस्ट एक्सपेरिमेंट इंटरनेशनल थर्मो न्यूक्लियर एक्सपेरिमेंट रिएक्टर प्रोजेक्ट का एक हिस्सा है। ITER का निर्माण 35 देशों के कोलैबोरेशन से हुआ था, जिसमें से मुख्य सात हैं चाइना, यूरोपियन यूनियन, इंडिया, जापान, साउथ कोरिया, रशिया और यूनाइटेड स्टेट्स। इस ITER का मेन कॉम्प्लेक्स फ्रांस के साउथ में मौजूद है और जहां पर ईस्ट जैसी एक न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण चल रहा है जो अपने बनने के बाद हमारी दुनिया का सबसे बड़ा न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर होगा। दोस्तों, इस ITER प्रोजेक्ट का मुख्य गोल है ऐसे न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर का निर्माण करना जो बिना किसी कार्बन इमिशन और कम न्यूक्लियर वेस्ट के साथ क्लीन एनर्जी को बना पाए। हाल ही की बड़ी कामयाबी से पहले भी 2017 में जब इस ईस्ट को चलाया गया था तो वो एक लंबे समय के लिए इसे मेंटेन कर पाए थे और जिस दौरान टेम्परेचर 50 मिलियन डिग्री सेल्सियस तक पहुंच गया था। इसके बाद 2018 में चाइना के इस रिएक्टर को जब रन किया गया तब इसका तापमान 100 मिलियन डिग्रीज के करीब पहुंच गया था, लेकिन जो प्लाज्मा को केवल 10 सेकंड तक ही मेंटेन कर पाया। चाइना के बाद साउथ कोरिया ने इस साल के शुरुआत में अपनी के स्टार डिवाइस के साथ वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया जब उनके इस रिएक्टर ने 100 मिलियन डिग्रीज के ऊपर टेम्परेचर को 20 सेकंड तक मेंटेन किया। अब बात करते हैं कि चाइना के इस आर्टिफिशियल सन की अभी की सबसे बड़ी कामयाबी क्या है। दोस्तों, कुछ ही दिन पहले जब चाइना ने अपनी ईस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर का इस्तेमाल किया तो वो इसे 160 मिलियन डिग्रीज के टेम्परेचर पर 20 सेकंड्स के लिए मेंटेन करने में कामयाब रहे और जिसके साथ ही उन्होंने एक नए वर्ल्ड रिकॉर्ड को अपने नाम किया। दोस्तों, इससे जुड़ी सबसे खास बात तो ये है
कि हमारे सूर्य का तापमान सिर्फ 15 मिलियन डिग्री के करीब है, यानी कि चाइना ने हमारे सूर्य से भी लगभग 11 गुना ज्यादा हीट को हमारी पृथ्वी पर एक छोटे से रिएक्टर में पैदा किया, जो कि एक बहुत बड़ी बात है। आइए जानते हैं कैसे इस जैसे रिएक्टर बदल सकते हैं हमारा फ्यूचर। चाइना के इस प्रोजेक्ट ने एक काफी बड़ी कामयाबी हासिल की है, लेकिन फिलहाल इन न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर से जो सबसे बड़ी दिक्कत जुड़ी है वो ये है कि इन्हें ज्यादा लंबे समय तक चलाया नहीं जा सकता, जिससे कि न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्शन को ज्यादा लंबे समय तक मेंटेन किया जा सके। लेकिन वैज्ञानिक कई सालों से इन न्यूक्लियर रिएक्टर्स को इम्प्रूव करते जा रहे हैं, और अभी फिलहाल हम अपनी मंजिल से काफी दूर हैं। लेकिन चाइना के इस ईस्ट न्यूक्लियर रिएक्टर की इस बड़ी कामयाबी से हमें जल्द ही न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर हमारी एनर्जी की जरूरतों को पूरा करते हुए दिख जाएंगे। हालांकि हमें तब तक ऐसे मेथड्स को अपनाना चाहिए जो पूरी तरह से क्लीन एनर्जी को पैदा करते हैं, जैसे सोलर पैनल्स, विंड एनर्जी एक्सेट्रा, ताकि हम उस फ्यूचर को देखने तक जिंदा रह पाएं। इस न्यूक्लियर रिएक्टर से पैदा होने वाली एनर्जी इतनी ज्यादा होगी जो हम इंसानों को आगे बढ़ने में मदद करेगी, और जो हमारी इंसानी सभ्यता को और टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट हासिल करने में मदद करेगी। दोस्तों, चाइना के इस मेड इन चाइना सूर्य की इस नई कामयाबी से हो सकता है कि हमें इससे जुड़ी कोई बड़ी खबर जल्द ही आने वाले फ्यूचर में मिल जाए। दोस्तों, आपका क्या कहना है चाइना के इस न्यूक्लियर फ्यूजन रिएक्टर के बारे में, हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइए। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और इसी तरह के वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और इसी के साथ बेल नोटिफिकेशन ऑन जरूर कर लें ताकि नई वीडियोस की नोटिफिकेशन अपलोड होते ही मिल जाए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। दोस्तों, इस वीडियो को अंत तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद।